जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ADIT का प्रिपरेशन हम लोग करने वाले हैं और वो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहली दो चीज़ें ये हमने बताई थी कि IBM और DGET दोनों ने पैटर्न डिज़ाइन किया आपके प्रिपरेशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप 28 अप्रैल 2022 को देने वाले हैं। तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आने जा रहे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे और भी चीज़ों को जानेंगे। तो पूरे क्वेश्चन आप जानते हैं कि 100 मार्क का होगा जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। ये वीडियो ADIT के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने वाले बच्चों के लिए है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट होना है, एंट्रेंस टेस्ट होना है एडमिशन के लिए, और जहाँ जहाँ पर NSTI है वहाँ पर आपका एडमिशन होगा। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम बिल्कुल CITS की तरह ही होता है, लेकिन इसमें IBM डिज़ाइन करेगी कि जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स होंगे किस तरीके के होंगे। तो उन्होंने डिज़ाइन कर लिया है, दोनों लोगों ने मिल करके आपको बता दिया है, स्क्रीन के माध्यम से आप देख पाओ। दो सेक्शन में मैं अभी आपको आगे क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा और क्वेश्चन के आंसर्स भी बताऊंगा, और कैसे क्वेश्चंस आएंगे और उसका आप कैसे रिप्लाई करेंगे वो सारी चीज़ें होंगी इसी वीडियो में। लास्ट तक बने रहिए। दो चीज़ें आप पहले जान लीजिए कि आप दो पार्ट में चीज़ों को करने जा रहे हैं। एक पार्ट जो ए है वो 80 मार्क्स का होगा और जो बी पार्ट है वो 20 मार्क्स का होगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। तो 80 वाला जो परसेंटेज है उसको मैं अभी यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस और लॉजिकल रीजनिंग होगी, एनालिटिकल होगा, जनरल नॉलेज होगा, इंग्लिश कंप्रिहेंशन होगा। इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट बी और जो 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं आपको, जो कि पर्टेनिंग टू कंप्यूटर्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 20 क्वेश्चंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप पर्टेनिंग टू कंप्यूटर्स ऑब्लिक IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो कंप्यूटर से संबंध रखते हैं। इस 20 क्वेश्चन के बारे में हम लोग, ये 20 क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे और देखेंगे, और ये 20% क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स। तो आइए उसको हम लोग देख लेते हैं कि वो क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे। पर्टेनिंग टू कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर से रिलेटेड वो 20% यानी 20 क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कहां से आएंगे, किस तरीके का आएंगे, एक आपको बेहतरीन आइडिया मैं आपको प्रोड्यूस कर देता हूं, आपको दे देता हूं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। हम में से बहुत सारे बच्चे जो ADIT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैं उस पार्ट की बात कर रहा हूँ जो 20% का पार्ट है, जिसमें आपको कंप्यूटर और IT से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। पूरे सिलेबस को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, 6 वीडियो में मैंने डिवाइड किया है। वो 6 वीडियो का 01 अपॉन 6 मैंने लिखा हूँ। ऐसे ही सेकेंड वीडियो आएगी तो 02 अपॉन 6 होगा, 03 अपॉन 6 होगा, 04 अपॉन 6, ऐसे 6 अपॉन 6, यानी कंप्लीट आपका पूरे एग्जाम का प्रिपरेशन का तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों जो 20 मार्क्स है उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन अभी जानने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। मैंने क्वेश्चंस को दोनों ही प्रकार से बनाए हैं, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों का मिक्सअप किया है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो इंग्लिश ही आने वाला है। जैसा कि मुझे जानकारी है, जैसा मैं जान पा रहा हूँ, जैसा बच्चे बताए थे ADIT के जो कोर्स कर रहे हैं वर्तमान में, अभी एग्ज़ाम देकर खाली हुए हैं फाइनल ईयर का, उनके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो यही आई थी कि पूरा जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का वो इंग्लिश होगा। तो मैं एक आइडिया के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्सअप किया हूँ। आगे की क्लासेस में इंग्लिश में ही, मतलब क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में ही लेके आऊँगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें CBT एग्ज़ाम में, तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से अटेंड कर पाएँ। अभी मैं आपको एक रिहर्सल करा रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ समझ के लिए, कि अगर क्वेश्चन हिंदी में कैसे समझेंगे और इंग्लिश में कैसे समझेंगे, जबकि आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ही है, इंग्लिश में ही होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो उससे भी रिलेटेड पूरा टोटली इंग्लिश के भी क्वेश्चन हमने इस क्वेश्चन पेपर में डाले हैं, जिसको आप मॉडल पेपर कह सकते हैं। एक आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगी कि क्वेश्चंस इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके बाहर भी आ सकते हैं। तो ये 100% श्योर नहीं है कि पूरे आपको यही क्वेश्चन आ जाएंगे, जिससे कल को आप ब्लेम करें कि नहीं सर आपने तो ये चीज़ें क्वेश्चन दिए थे और इस तरीके से आ गए। तो आइए देख लेते हैं फटाफट।
ये पार्ट वन यानी जीरो, पार्ट वन का 01 लेशन हम लोग देख पाते हैं, जिसमें कि 20 मार्क्स हम लोगों को कवर करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर वन है, इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है, तो विच इज़ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर, अगर ऐसा हम बोलें, ऐसा आपके सामने क्वेश्चन हो, तो आप जानते हैं आप लोग स्मार्टफोन चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर चलाते हैं, तो जो मेमोरी होती है, मेमोरी आपकी जैसा कि आप कहते हैं अरे हमारे पास 2 GB की मेमोरी है, तो जो क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट यानी उसका मात्रक, तो जीबी है, बाइट है, मेगाबाइट है, किलोबाइट है। तो अब ऐसे में क्या होगा कि जीबी, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें से जो बड़ी यूनिट है वो आपकी जीबी होगी, जिसको जीगाबाइट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर वन का आंसर ए होगा। आपके सामने ऐसा भी लिखा आ सकता है जीगा, BYT, जीगाबाइट, GIGA पूरा लिखा आ सकता है। तो क्वेश्चन वन का आपका जो आंसर है वो ए सही है। जैसा कि आप जानते हैं CBT एग्ज़ाम 2 घंटे का होने वाला है, और 2 घंटे में आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे, और इस 100 क्वेश्चंस को आपको 4 ऑप्शन होगा, एक उसमें से सही होगा, उसे ही आपको सेलेक्ट करना है या माउस से क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करता हूँ, GUI शॉर्ट रूप है। तो GUI किसका शॉर्ट रूप है, अगर आपने बेसिक कंप्यूटर्स पढ़े हैं, थोड़ा भी कंप्यूटर का आइडिया है, तो बहुत आसानी से होगा। इसका भी आंसर ए सही है, जिसका फुल फॉर्म आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगा, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। बाकी के 3 ऑप्शन पे हम इसलिए नहीं जाएंगे कि टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और आपको कन्फ्यूज़न भी होगा। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मतलब और क्वेश्चन के आंसर का मतलब, 2 चीज़ें हैं, समझाते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। जैसे माइक्रो प्रोसेसर को प्रायः CPU भी कहते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इज नोन एज ऑल्सो, सॉरी माइक्रो प्रोसेसर इज ऑल्सो नोन एज CPU, CPU जिसको आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि सही है या गलत, वहाँ ट्रू फॉल्स आएगा, आप यहाँ पे ट्रू सेलेक्ट कर लेंगे, सही है। फिर आगे आपको है क्या है अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर को और क्या बोलते हैं आप, तो सॉफ्टवेयर को और क्या बोलते हैं, प्रोसेस डेटा प्रोग्राम इंफॉर्मेशन, तो सॉफ्टवेयर को हम प्रायः प्रोग्राम भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5, मिड कंप्यूटर को और किस नाम से जाना जाता है, अनदर नेम ऑफ मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर का दूसरा नाम और क्या है। तो यहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं, आपका जो आंसर है ए सही है, मिड रेंज कंप्यूटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हेडफोन एक आउटपुट उपकरण है, तो हेडफोन इज आउटपुट डिवाइस, तो हेडफोन इज ए आउटपुट डिवाइस, यानी जिन चीज़ों से आपको रिजल्ट मिलता है, हेडफोन आप लगाते हैं आपको गाना सुनाई देता है, तो वह एक आउटपुट डिवाइस है, परिणाम जिससे मिलता है वो हमेशा आउटपुट डिवाइस होता है, और ये आपका ट्रू होगा, सही होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 7, एक पॉइंटिंग डिवाइस में क्या है, प्लॉटर है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, नहीं, आपका पॉइंटिंग डिवाइस क्या है, माउस है, माउस आपका पॉइंटिंग डिवाइस में आता है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, 8 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है कि बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में 0 से 1 को एक बीट कहा जाता है, बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में 0 से 1 को एक बीट कहा जाता है, तो ये ट्रू है, तो यहाँ पर वहाँ पर आपका ऑप्शन ट्रू रहेगा, तो आप ट्रू कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 9 का बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है, बोर्ड को सिस्टम बोर्ड यानी आपका जो लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है, तो सिस्टम बोर्ड को कभी कभी मेन बोर्ड या मदर बोर्ड भी कहा जाता है, यानी 9 नंबर भी आपका ट्रू होगा यानी सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, CD ROM,
CD-ROM TELS, यानी CD-ROM जो है इसका एब्रीवेशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो आप जानते हैं कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद ये पूछ रहा है ट्रू है TELS, ये जो बताया गया है ये सही है, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि ये सही है, ट्रू है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, तो आगे क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, प्रिंटर पर आने वाले आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, हार्ड प्रिंटर पर आने वाले जो आप प्रिंटर होता है उससे जो कॉपी निकलती है उसको हार्ड कॉपी कहते हैं, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12, आप अपना खुद का वर्कबुक, टेम्पलेट कंप्यूटर में आप डिज़ाइन कर सकते हैं, तो ये भी आपका 12 नंबर भी ट्रू होगा। अब हम बात करेंगे 13 नंबर की, इस टैब में प्रूफिंग टूल्स होती है, तो जैसे आप वर्ड खोलते हैं तो रिव्यू है, डेटा है, व्यू है, माउस है, तो किस में ये टैब होता है प्रूफिंग टूल्स? प्रूफिंग टूल्स क्या करता है? आपका स्पेलिंग या कुछ और भी चीज़ें आपके राइटिंग में करेक्शन करनी रहती है उसके काम में ये आता है प्रूफिंग टूल्स। तो आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा रिव्यू। रिव्यू वाले टैब में आपको प्रूफिंग टूल्स मिलता है जिसमें आप अपना लिखा हुआ चीज़ को सेलेक्ट करके रिव्यू वाले में प्रूफिंग टूल्स रहता है जिससे उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। 14 नंबर काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क बदले जाने वाले स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जैसे मेमोरी चिप होती है आपकी उस तरीके से पहले कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क होता था जिसको मेमोरी चिप की तरह यूज़ किया जाता था। तो करें फ्लॉपी डिस्क बदले जाने वाले स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि इसमें इंफॉर्मेशन रखी जाती है लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं, यह कैसेट डिस्क की तरह होता था, डाल लेते थे और निकाल देते थे काम करने के बाद, तो ये भी आंसर आपका ट्रू है। 15 नंबर, 8 बिट्स मिलकर एक बाइट होता है, 8 बिट्स मिलकर एक बाइट होता है, यानी 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, इट्स ट्रू। फाइल के नाम के दो भाग होते हैं, ये आंसर फॉल्स है। फाइल 16 नंबर, फाइल के नाम के दो भाग होते हैं, जैसे फाइल है, सब फाइल है, तो नहीं, सिर्फ एक होता है, तो इसलिए यह गलत होगा, दो भाग नहीं होगा। 17 नंबर बात करेंगे, इनमें से कौन सा उपकरण इनपुट उपकरण नहीं है? ना हियर इज गिवेन देर आर 4 डिवाइसेस, कह रहा है कि विच इज नॉट ए इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा इनपुट नहीं है? जैसे मॉनिटर है जिस पर आप देखते हैं, यह आउटपुट डिवाइस होता है, यानी कि ये ए नंबर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, लेकिन माउस, कीबोर्ड, माइक ये सब इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस में माउस भी आता है, कीबोर्ड भी आता है, माइक भी आता है, लेकिन मॉनिटर आउटपुट में आता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा उपकरण इनपुट नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आंसर होगा मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 18, माउस और ट्रैक बॉल का वर्क अलग अलग होता है, यह गलत है, दोनों का वर्क एक ही जैसा होता है, तो यह रॉन्ग है, इसको फॉल्स, आप जब एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे फॉल्स लिखा रहेगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा इंग्लिश का हैबिट करा देते हैं, प्रैक्टिस करा देते हैं। इनपुट डिवाइस ट्रांसलेट व्हाट पीपल अंडरस्टैंड इनटू ए फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन प्रोसेस, ट्रू होगा। कह रहा है इनपुट डिवाइस ट्रांसलेट पीपल अंडरस्टैंड, आदमी को समझने में सहूलियत होती है, फ्रॉम द कंप्यूटर कैन प्रोसेस, जिसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मेक इर रिएटिंग नॉइस, 20 नंबर का क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जब वो काम करता है तो इरिटेटिंग नॉइस आती है, यह ट्रू है। फिर है 21, प्रिंटर्स कनेक्टेड टू द कंप्यूटर फॉर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट ऑन पेपर, कह रहा है कि प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं जिससे कि वो पेपर पर आउटपुट देता है। कोई भी आप लेटर बनाते हैं, फाइल बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, जब उसको प्रिंट करते हैं तो वो एक पेपर पर उसका आउटपुट आता है, तो 21 नंबर भी आपका ट्रू होगा।
22 नंबर की बात करते हैं, इंस्टीड ऑफ फंक्शन की विच आर यूज्ड टू क्रिएट ए शॉर्टकट। इंस्टीड ऑफ फंक्शन की, फंक्शन की के स्थान पर विच आर यूज्ड टू क्रिएट शॉर्टकट, फंक्शन की के स्थान पर दूसरी कौन सी की है जो शॉर्ट की के लिए क्रिएट शॉर्टकट, शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, द कीबोर्ड की दैट आर लेबल्ड F1, F2, क्या लिखा है? द कीबोर्ड कीज दैट आर लेबल्ड F1, F2 एंड सो ऑन आर कॉल्ड, जो आपका कीबोर्ड होता है चाहे लैपटॉप का या तो आपके कंप्यूटर का, तो उस पर जो F1, F2 लेबल है उसको और क्या कहते हैं? तो और इसमें जो आप बोलते हैं तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है न्यूमेरिक की, फंक्शन की, तो ये आपको होगा फंक्शन की, फंक्शन की। उसके बाद आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, फंक्शन की हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है आपको? ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्निशन डिवाइस एंड ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस आर टू नेम्स ऑफ द सेम डिवाइस, तो आपका यह फॉल्स हो जाएगा। कह रहा है ऑप्टिकल कैरेक्टर्स, जो ऑप्टिकल कैरेक्टर्स है वो रिकॉग्नाइज करता है डिवाइस, दैट ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइज डिवाइस आर टू नेम ऑफ द सेम डिवाइस, तो कह रहा है दो अलग अलग नाम है एक ही डिवाइस का, तो ऐसा नहीं है। ये जो आपका क्वेश्चन है आपका ये फॉल्स है, टू नेम्स ऑफ द सेम डिवाइस, क्योंकि यह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक ऑप्टिकल कैरेक्टर और एक ऑप्टिकल मार्क। आगे बात करेंगे ओ सी आर इज़ यूज्ड टू ट्रांसलेट प्रिंटर टेक्स्ट टू मशीन रीडेबल कोड, तो 25 आपका यह ट्रू होगा। OCR जो है आपका यूज़ किया जाता है ट्रांसलेट प्रिंटर टेक्स्ट टू मशीन रीडेबल कोड। इसके बाद 26 नंबर की बात करेंगे, यूज़र को सूचना प्रदर्शित करना ही मॉनिटर का मूलभूत कार्य है। 26 नंबर कह रहा है यूज़र्स को सूचना प्रदर्शित करना ही मॉनिटर का मूलभूत कार्य है, यानी प्राइमरी वर्क ऑफ मॉनिटर टू प्रोड्यूस द इमेज टू द यूज़र, यानी जो आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं जो डिस्प्ले पर आप देखते हैं वही मॉनिटर का काम है, तो यह आपका ट्रू हो जाएगा। 27 की बात करेंगे, डेस्कटॉप पर देखे जाने वाले माउस पॉइंटर को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप पर देखे जाने वाले तो एरो पॉइंटर, यानी कि 27 का ए आंसर सही होगा कि डेस्कटॉप पर देखे जाने वाले माउस पॉइंटर को भी एरो पॉइंटर भी कहा जाता है। 28 विशेष प्रयोजन वाले ग्राफिकों को तैयार करने में प्लॉटर्स का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखें, विशेष प्रयोजन वाले ग्राफिकों को तैयार करने में प्लॉटर्स का प्रयोग किया जाता है, तो यह आपका आंसर ट्रू है। 29 तेजी से खेलने वाले गेम्स के लिए जॉयस्टिक काफ़ी लाभदायक है, ये भी आपका ट्रू है। आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूज्ड टू स्टोरेज डेटा, बहुत इजी है, आप स्टोरेज डेटा स्टोर डेटा को स्टोर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? मेमोरी यूज़ करते हैं, बी सही है 30 का। 31 में बात करेंगे, इन ए माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम द कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसर इज कंटेंट ऑन ए सिंगल चिप कॉल्ड द, बहुत है आसान है, इन ए माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम द कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट आर प्रोसेसर इज कंटेंट ऑन ए सिंगल चिप कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर, क्वेश्चन नंबर 31 माइक्रो प्रोसेसर ही कहा जाता है। अब 32 देख लेंगे, कह रहा है इज ए 16-bit कोड डिजाइंड टू सपोर्ट इंटरनेशनल लैंग्वेज, 16-bit कोड डिजाइंड टू सपोर्ट इंटरनेशनल लैंग्वेज लाइक ए चाइनीज एंड जापानीज, तो इसमें से क्या है? तो आपका आंसर है 32 का ए, यूनिकोड, यूनिकोड जो आपका है
वो इज ए 16-बिट कोड है डिजाइन टू सपोर्ट द इंटरनेशनल लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल चाइना एंड जापान और चाइनीज एंड जापान। 33 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज कंप्यूटर मेमोरी, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कह रहा है कि जो नीचे दिया गया है उसमें से कंप्यूटर मेमोरी का कौन सा मात्रक है, यूनिट है, तो आंसर होगा बी, किलोबाइट। मीटर या सेमी मीटर या किलोग्राम, इट विल बी नॉट, किलोबाइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, 34, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, ट्रू होगा, 34 ट्रू होगा आपका। उसके बाद है, हर एक ट्रैक सेक्टर का नाम कुछ वेज की आकृति में बांटा गया है, पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, यह कुछ जो वर्ड इंग्लिश में होना चाहिए वो इंग्लिश में है, यहाँ पर पूछा गया यह ट्रू है कि फॉल्स है। हर एक ट्रैक सेक्टर नामक कुछ वेज की आकृति में बांटा गया है, हर एक ट्रैक सेक्टर नामक कुछ वेज की आकृति में बांटा गया है, तो यह ट्रू है। डिस्क के लेबल पर 2HD, जो डिस्क होती है CD या DVD, तो उस पर कह रहा है कि डिस्क के लेबल पर अगर 2HD लिखा है तो व्हाट डू यू मीन बाय 2HD। देखिए, जो कंप्यूटर सेक्टर से क्वेश्चन आए रहेंगे, 20 जो क्वेश्चंस हैं, वो आपको थोड़ा अपने से भी समझना है चीज़ों को। तो डिस्क के लेबल पर 2HD का मतलब क्या है, टू साइड हाई डेंसिटी। उसके बाद हम बात करेंगे 37 का, स्टोरेज डिवाइस आर हार्डवेयर दैट रीड्स डेटा एंड प्रोग्राम फॉर फ्रॉम स्टोरेज मीडिया। एक बार फिर से क्वेश्चन देखेंगे, स्टोरेज डिवाइस आर हार्डवेयर दैट रीड्स दैट एंड प्रोग्राम फ्रॉम स्टोरेज मीडिया। तो यह भी आपका 37 नंबर भी आपका ट्रू होगा। कह रहा है स्टोरेज डिवाइस जो होती है हार्डवेयर के रूप में रीड द डेटा एंड प्रोग्राम फ्रॉम द स्टोरेज मीडिया, स्टोरेज मीडिया से उसको रीड करने का काम करता है। प्राइमरी मेमोरी, वहाँ ऊपर देखे थे आप सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल है, तो ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे, 38 हो गया, 39 की बात करेंगे, तो 39 क्या कहता है, CDRW का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, CD होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, RW का मतलब रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अगर ऐसा आ जाता है आपको, उसका फुल फॉर्म पूछता है, तो आप कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल को आप सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि गोलाकार हिस्से का नाम क्या है, कंप्यूटर में गोलाकार हिस्से का नाम क्या है जिस पर संग्रहण के माध्यम से डेटा लिखा जाता है, जैसे आपका DVD होता है या CD होता है, तो वो सर्कल में होती है, राउंड में होती है, जो उसका मेन पार्ट होता है वो सेक्टर में डिवाइडेड होता है। तो 40 नंबर का गोलाकार हिस्से का नाम क्या है जिसे पर संग्रहण माध्यम पर डेटा लिखा जाता है, यानी मेमोरी की तरह, तो वो आपका सेक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस या हानिकारक प्रोग्रामों से बचाते हैं, यहाँ पे होगा बनाते हैं लिखा है, तो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस या हानिकारक प्रोग्रामों से बचाते हैं, आंसर होगा एंटीवायरस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे, 3.5 फ्लॉपी डिस्क की क्षमता जो होती है, क्वेश्चन नंबर 42, इसकी जो क्षमता होती है 3.5 फ्लॉपी डिस्क की क्षमता, वो 1. क्वेश्चन नंबर का तो 42 का ए आंसर सही है, 1.44 MB यानी मेगाबाइट। 43 देख लीजिए, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉनिकली विद द बाइनरी R2 स्टेट नंबरिंग सिस्टम, तो ये आपका ट्रू होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए, सॉकेट स्लॉट्स एंड बस लाइंस आर कंपोनेंट
ऑफ द सिस्टम बोर्ड। जो सिस्टम बोर्ड होता है कंप्यूटर पे, उस पर जो सॉकेट्स होती हैं, स्लॉट होता है, बस लाइंस होता है, वो कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम बोर्ड, ये सिस्टम बोर्ड के कंपोनेंट होते हैं, ट्रू होगा। उसके बाद 45 आउटपुट ऑफ एन इमेज ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज ऑफन कॉल्ड हार्ड कॉपी। कह रहा है कि आउटपुट ऑफ इमेज ऑफ द मॉनिटर, मॉनिटर के स्क्रीन पर जो इमेज दिखती है, आउटपुट ऑफ एन इमेज ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज ऑफन कॉल्ड हार्ड कॉपी। तो आउटपुट ऑफ एन इमेज यानी इमेज का जो आउटपुट होता है, जो स्क्रीन पर दिखती है और उसका जब आप प्रिंट ले लेते हैं, तो वो हार्ड कॉपी कहलाती है, दैट इज ट्रू। उसके बाद 46 की बात करेंगे। 46 क्या कह रहा है कि द की लेबल्ड 0 to 9 ऑन कीबोर्ड आर कॉल्ड। जो कीबोर्ड होता है उस पर 0 से लेकर 9 तक की जो गिनती होती है, काउंटिंग होती है, न्यूमेरिक की कही जाती है। अब हम बात करेंगे 47 की। विच आर द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट फ्रॉम द, 47 क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट फ्रॉम द पॉइंटिंग टाइप डिवाइस। पॉइंटिंग टाइप डिवाइस इसमें से क्या नहीं है, तो आपका होगा पॉइंटिंग टाइप डिवाइस। दोनों ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर कोई एक ऑप्शन रहना चाहिए, या तो कीबोर्ड रहना चाहिए या मॉनिटर रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट फ्रॉम द पॉइंटिंग डिवाइस। तो आपका ना तो मॉनिटर है, ना ही आपका इसमें मॉनिटर है पॉइंटिंग डिवाइस, ना तो कीबोर्ड है पॉइंटिंग डिवाइस, ये दोनों ही पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड भी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, मॉनिटर भी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, लेकिन माउस और टच स्क्रीन आपका दोनों ही पॉइंटिंग डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ के ले लीजिए। उसके बाद विच प्रिंटर प्रिंट द डेटा और इमेज बाई स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स। वो कौन सा प्रिंटर है जो स्प्रे करके स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स और लिंक एट हाई स्पीड इनटू सरफेस ऑफ द पेपर, पेपर के ऊपर हाई स्पीड से इंक स्प्रे करके प्रिंट करता है, इमेज देता है। तो आंसर होगा आपका इंक जेट प्रिंटर, 48 का ए, इंक जेट प्रिंटर। 49 में बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग की इज नॉट ए टोगल की। 49 क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज नॉट ए टॉगल की। तो इसमें आपका जो आंसर होगा कंट्रोल होगा, इसमें आपका आंसर जो होगा कंट्रोल होगा। विच आर द फॉलोइंग की इज नॉट ए टॉगल की, तो इसमें आपका आंसर कंट्रोल होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द कीबोर्ड कीज दैट हैव एरोस ऑन देम आर कॉल्ड। जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर जो एरो दिए रहते हैं चार, तो उस की को क्या कहते हैं, उस की को कहते हैं नेविगेशन की। बी सही है, 50 नंबर का क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर होगा बी, नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज क्या कहता है, आपको लेफ्ट राइट अप डाउन करने में किसी भी ग्राफ को या अपने लिखी हुई चीज़ों को नेविगेट करने के काम में आता है। तो दोस्तों ये रहे 50 क्वेश्चंस। इसका नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो भी मैं आपको लेकर के आऊँगा 50।